अगली खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस एवं दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश के 4,55,000 ग्रामीणों को वर्चुअली गृह प्रवेश कराया। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना जिले के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सतना रीवा एवं बालाघाट जिले में 1,00,000 आवासों का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत धनतेरस एवं दीपावली पर्व पर जनपद पंचायत रीवा की ग्राम पंचायत भटलो में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ले ने जिले के 36,140 ग्रामीणों को उनके नवनिर्मित आवास में गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि गरीबों के सर में छत देने का काम प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। गरीबों के कच्चे आवासों की जगह पक्के आवास स्वीकृत कर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्योथर में अत्यंत गरीबी में रह रहे मुसहर जनजाति के ग्रामीणों को भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा है। रीवा जिले में वर्तमान वर्ष में 1.50 लाख के ऊपर आवास स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 1.12 लाख आवास निर्मित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक कोई भी गरीब आवास विहीन नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री ने सबके लिए आवास, खाद्यान्न एवं उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किया है। धनतेरस के अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को आवास के रूप में उपहार मिला है। धनतेरस एवं दीपावली पर्व पर हम गृहस्थी के लिए कोई ना कोई सामान खरीदते हैं। पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हर गरीब को छत देने की योजना प्रधानमंत्री लेकर आए हैं। योजना के अंतर्गत अपना घर होने का सभी गरीबों का सपना साकार हो रहा है। इस योजना के पहले कच्चे मकान में बारिश के मौसम में छत टपकने से परिवार अपने बच्चों को लेकर एक कोने में पड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसी मजबूरी समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों के कच्चे आवास है उन्हें पक्के आवास दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को पक्के आवास के साथ आवास में शौचालय, पानी, बिजली की सुविधा भी देने के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री का सपना है कि वर्ष 2024 तक कोई भी गरीब आवास विहीन नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से ग्रामों को कीचड़ मुक्त किया है। अब हर ग्राम में चमचमाती प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से आवागमन के साधन विकसित हुए हैं। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सभी गरीबों को पक्के आवास देने की योजना प्रारंभ की है। उन्होंने कहा है कि जहां रीवा जिले में इस वर्ष 1.50 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, वहीं 1.15 लाख आवास बनकर तैयार हो गए हैं। हर माह 5,000 आवास निर्मित किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री शुक्ल ने ग्रामीणों की मांग पर 3 करोड़ रुपए की लागत से पुलिया का निर्माण किया।